जी देखिए हम आ, एक तो सबसे पहले जो भी स्टॉक्स की हम सभी बात करेंगे वो सारे कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है पर आ, आ, और हमारे पोर्टफोलियो में हैं भी मोस्ट मोस्टली हैं तो आ, उस डिस्क्लेमर के साथ मैं कहूँगा जो भी हम देख रहे हैं और देखते हैं एज अ फंड हाउस कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें वो पहले देखते हैं कि मैक्रो जो थीम है वो पॉजिटिव है कि नहीं किस सेगमेंट में क्योंकि जैसे समय बदलता है नए सेक्टर्स एमर्ज होते हैं पुरानी कंपनी जो काफ़ी काम कर रही है सडनली उनको एक अपॉर्चुनिटी नई बड़ी बनती है गवर्नमेंट के पॉलिसी डायरेक्शन से या कस्टमर डिमांड से या कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज से तो चेष्टा हमेशा यही रहती है कि आप उसमें कुछ ढूंढें कि जहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है जो आपको रिटर्न देगा तो एक जो मुझे स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है काफ़ी समय से लिस्टेड है एम्बर एम्बर एंटरप्राइजेज़ तो एम्बर एंटरप्राइजेज़ एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है uh, वो सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं रूम ए के तो जो हमारे घर में ए स्प्लिट ए विंडो ए जो सब लगते हैं तो जो टॉप टेन ब्रांड्स हैं इंडिया में उसमें से आठ के लिए वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो करते हैं प्रोडक्शन वो करते हैं और ब्रांड लगा के फिर वो ब्रांड कंपनीज़ अपना बेचिए पैनासोनिक डाइकन ऐसे ऐसे उनके कस्टमर्स हैं तो, तो मेरे घर में जो एसी लगा हुआ है एक्चुअली अम्बर का बनाया हुआ है जी अगर मेड इन इंडिया है तो वो अम्बर का बना हुआ है बिल्कुल वह और, और ये एक बड़ा मूवमेंट है जो हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करने का जो बड़े ब्रांड प्लेयर्स हैं वो फोकस करना चाहते हैं मार्केटिंग पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे डिज़ाइन पे और वो वॉल्यूम का जो बेनिफिट मिलता है वो फिर एम्बर जैसी कंपनीज़ को मिलता है क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्शन फैसिलिटी अभी तेईस फैक्ट्रीज हैं उनकी और तेईस फैक्ट्री में क्या होता है आप एफिशिएंसी ऑफ स्केल ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि आप इतने बड़े बायर हैं कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं रॉ मटेरियल का प्राइस नीचे आप लेबर को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं स्केल के और वो आप अपने पास रख के और फिर भी आप एक लोग को जितना जो आपके कस्टमर को पर यूनिट प्राइस बनेगी पड़ेगी बनाने की उससे आप कम में काम कर सकते हैं और इसलिए उनको अट्रैक्शन है कि वो आपको दे देंगे आप सस्ते में बना देंगे तो रूम एसी में तो ये बड़े प्लेयर है ही है मतलब ये तो काफी समय से है अब दो चीजें नई हुई है उसमें एक हुआ है कि इन्होंने जो वेरेबल सेगमेंट है उसमें एक जॉइंट वेंचर किया है ब्रांड के साथ जो पिछले हफ्ते इन्होंने फाइलिंग करी है तो uh, तो आप वॉचेस है तो उन तो फिफ्टी फिफ्टी जेबी है जिसमें प्रोडक्शन ये करेंगे मैन्युफैक्चरिंग वो करेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी एंट्री है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक में इनका ऑलरेडी प्रेजेंस है ये बनाते हैं पीसीबी एमसीबी में और इन्होंने अभी एक पीसीबी कंपनी भी एक्वायर करी है हंड्रेड और तीसरा जो मेरे को लगता है बड़ा ग्रोथ एरिया है इनकी एक सब्सिडी कंपनी है सिडवॉल वो सिडवॉल जो है वो रेलवेज के लिए एच सिस्टम जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है रेलवेज का वो बनाते हैं तो अगर जैसे हम देख रहे हैं रेलवेज का ग्रोथ हो रहा है इंडिया में और अब मुझे नहीं लगता कि कोई पूछता है कि ये एसी ट्रेन है कि नॉन एसी ट्रेन है आप लोग कहते हैं कि ये एसी ट्रेन ही है आप ट्रेन में जा रहे हैं तो भी आपको एसी में ही जाने को मिलेगा और रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क इतना बड़ा ऑलरेडी है और बढ़ रहा है तो सिडवॉल जैसी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि एयर कंडीशनिंग पे आप फोकस करें और ये जो सेगमेंट इनका रेलवेज वाला ये एक्चुअली हायर ग्रोथ और हायर मार्जिन सेगमेंट है ओके कंपेयर टू अदर तो इसमें इस कंपनी में मुझे लगता है काफ़ी नए ग्रोथ ड्राइवर्स हैं

बढ़ के मल्टी बैगर बनना और इसी साल में रिटर्न देखना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है एवरेज टेम्परेचर मेरे ख्याल में, में आठ दस साल में आधे पौन परसेंट पौन डिग्री बढ़ चुका है और गर्मी तो आप देखिए ना अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रही है बजाज फाइनेंस है, है आ, जी, आप, आ, ये, आप ले लीजिए ईएमआई पे पैसे दे दीजिए तो नॉर्थ में कूलर का बड़ा फैशन है जी। लेकिन कूलर भी अब पंद्रह बीस हजार का आता है बिल्कुल पैतीस हजार फिर एसी ले लो आप और पानी भरिए फिर आप उसको वैसी कूलिंग नहीं देगा जी एसी का खैर कूलर से कोई और नहीं है। का अभी भी इंडिया में बहुत कम है मोबाइल फोन ज्यादा लोग एक की फोन लेने में को कोई दिक्कत नहीं है घर का में का चार आगे पास आगे ये, 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 वाले सुन रहे हो ना <laughs> तो आप लोग ना यूपी जाओ और उनको सिखाओ की यार ये जो चालीस हजार का मोबाइल घूमरो ए सी लगा लो घर में ठंडे में रहोगे रहोगे मोबाइल तो सस्ते में पावर एक और पावर भी इजीलिए अवेलेबल हो रहा है पावर कंपनीज है वो जगह जगह पहले गांव में आप लगा दे छोटे शहर में लाइट नहीं, नहीं आ रही कंप्रेसर लगा आपका ए खराब हो गया तो, तो अब वो पावर की सप्लाई भी जैसे जैसे बढ़ रही है तो ये सारे काफी फैक्टर्स हैं जो फाइनली इनके फेवर में आ रहे हैं टुगेदर अच्छा मैं